नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी विशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में होने वाली बसपा की जनसभा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान दिया है। बसपा की जनसभा यूपी में होने से पहले मायावती ने क्या कुछ बड़ी बातें बोली तो हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो करी जा फिर आइए हम आपको पूरी खबर विस्तारपूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो तमाम दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं। पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के निर्देश अनुसार मैदान में उतरे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और आज से जनसभा शुरू हो चुकी है। यानी कि तमाम जो आपका जो टाइम टेबल है वो आप सबके सामने, सतीश चंद्र मिश्रा ने कल ट्वीट करते हुए बोला था कि मैं जल्द ही मैदान 8 तारीख को 9 तारीख को हाथरस में बड़ी रैली, बड़ी जनसभा, और आज सहारनपुर में है, आज 8 तारीख है। वो जो कुछ भी वहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा बयानबाजी करेंगे, जैसी भी रैली होगी हम आपको बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और मायावती ने यूपी में होने वाली बीएसपी जनसभा को लेकर क्या कुछ बोला है हम आपको बता दें। मायावती ने साफ बोला है, मेरे निर्देश में यूपी की सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सुरक्षा सम्मान व तरक्की को लेकर संगोष्ठी करने के बाद अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा यूपी की रिजर्व सीटों पर सर्व समाज के मंडल स्तरीय सम्मेलन आज से प्रारंभ, सभी से पूर्ण सहयोग की अपील। मायावती ने ये बोला है, जो जनसभा है, जो मंडल स्तरीय सम्मेलन है, मंडल स्तरीय जो जनसभा बी एस पी, उसमें सभी लोग सभी से पूर्ण अपील की है, सहयोग करें, ये सब मायावती ने बोला है। और साथ ही मायावती के इसी ट्वीट के बाद एक बड़े बहुजन समाज के पत्रकार नूरतनाम नरोली, जो उनका चैनल आप जानते होंगे, उन्होंने मायावती से एक सवाल किया है और इस सवाल को हम आपके बीच रख रहे हैं। आप बताना कमेंट में कि इन्होंने ये सवाल जो किया है वो सही है या गलत, कमेंट फिलहाल बताना। उन्होंने बोला नूरतनाम नरोली ने, चुनाव की तारीख कभी भी ऐलान हो सकता है, चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। अब दूसरों से सभा करवाने के साथ साथ बहन जी आप खुद भी रैलियां करें। ये सब मायावती ने, नूरतनाम नरोली हैं जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, उन्होंने बोला कि मायावती जी आप खुद भी रैली करें, जिलेवार ना सही प्रत्येक मंडल में तो कर ही सकते हैं। चुनाव के बाद ईवीएम की बात फिर हजम नहीं होगी, सिर्फ चुनाव 10-12 रैलियां से नतीजे बदलना मुश्किल है। मायावती जी पर सीधा आरोप लगाया कि आप भी रैलियां करें, और दूसरों जो उन्होंने बोला कि चुनावी तारीख का कभी भी ऐलान हो सकता है, दूसरों से सभा करवाने के साथ साथ बहन जी आप खुद भी रैलियां करें। तो साथ ही इस पर आप कमेंट में राय देना कि उन्होंने जो बातें कही हैं, जो अपील की है मायावती जी, वो सही है या गलत, कमेंट में फिलहाल हम बताना। आगे बोला चुनाव के बाद ईवीएम की बात फिर हजम नहीं होगी, सिर्फ चुनाव में 10-12 रैलियां अगर बहन कुमारी मायावती जी कर देंगी उससे नतीजे नहीं बदल सकते। ये सब बोला है ट्वीट करते हुए, उनके ट्वीट के नीचे लगातार हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे होंगे। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को, मायावती के बयान पर और नूरतनाम नरोली के इनके ट्वीट पर आप कमेंट में फिलहाल अपनी राय देना। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय।